all cameras on position. Okay, settle down, everybody, settle down. Audience, sare baith jaye. Contestants, please take your seat. Stand by. सॉरी सर, क्या हुआ? आप अंदर नहीं जा सकते. अरे आराम से, मतलब अरे एंकर शो. सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते. अरे ऐसे कैसे? विवेक गया कहाँ? विवेक आ रहा नहीं आज. हम लोग विवेक सर के बिना ही स्टार्ट करते हैं. अखिल जॉइन आजाद आएंगे. वो पता नहीं कहाँ रह गए वो. You know, I don't understand how men can take more time to get dressed than girls. हम और वेट नहीं कर सकते. Let's start. अरे ये स्टेज पे इतना बड़ा बॉक्स क्या रखा है? चल भाई स्टार्ट कर. ये क्या है? ये किसी ने बचाया. ये क्या है ये? अरे भैया हेलो. लाल बटन. बटन है तो दबा के देख. दबा दूं गाइस? हाँ बच्चों. यस मैम, यस मैम, दबा दो. सरप्राइज क्या है? नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल आप सबको. स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज इस मंच के ड्रामेबाज बच्चों के साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाने और ड्रामेबाजी में डांस का तड़का लगाने आए हैं हमारे डांसिंग स्टार्स. और इंडिपेंडेंस स्पेशल वीक को एक्स्ट्रा स्पेशल बनाने के लिए आए हैं हमारे पिछले सीजन के एक्टिंग के सुपरस्टार्स. तो आज और कल ये डांसिंग स्टार्स और एक्टिंग के सुपरस्टार्स हमारे बेमिसाल 12 ड्रामेबाजों के साथ मंच पर करेंगे ड्रामा. नहीं ओके कारनामा. अरे अरे विवेक भाई, विवेक भाई, ये क्या है विवेक भाई? ये क्या है यार, आपने मेरे बिना शो शुरू कर दिया. शांतनु, आज क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, यानी कि फ्रीडम का दिन है. यस, मुझे ऐसे लगता है कि जा बेटा शांतनु, जा जी ले अपनी जिंदगी, तुझे फ्री कर दिया आज. नहीं, एंकरिंग नहीं, से फ्री नहीं, कर नहीं, दिया नहीं, जा. नहीं, नहीं, नहीं. क्या हो? गरीबों के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए विवेक, पाप चढ़ता है. मैं शांतनु के साथ हूँ. मुझे यकीन था कि एक गरीब का दर्द दूसरा गरीब ही समझ सकता है. थैंक यू, थैंक यू. जोरदार तालियां हो जाए विवेक आनंद ओबराय के लिए. इंडिपेंडेंस स्पेशल वीक ऑफ सबसे हैप्पी शो इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज पार्ट बाय फॉक्स स्पेशल पार्टनर स्टारडा मोटर्स संपूर्ण सेवा टेक्नोलॉजी पार्टनर एचपी इंक टैंक प्रिंटर. आजादी का जश्न मनाने की तमन्ना लेकर शो पे आई है एक नागिन भी. भाई प्लीज वेलकम इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज सीजन 2 की फाइनलिस्ट विवेक भाई की फेवरेट तमन्ना विद पापा की जान आकोला की शान स्निग्धा देशमुख और इमोशंस का तूफान और आंसुओं की खान जोया शाह. हम है सुल्तानपुर राज्य की रानी पुष्पा. सावधान, होशियार, खबरदार. अरे राजा के बच्चे, एंट्री लेना और कितना बोलूंगा यार. ए, कौन है? हम तुझे इस राज्य से निकाल देंगे. महाराज, अगर कुछ निकालना ही है तो अपने अंदर से अच्छी परफॉर्मेंस निकालिए. आज फिर इन लोगों ने आपको कॉमेडी एक्ट दिया है. भगवान ही मालिक है अब तो. रोया 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 सा पता नहीं. महारानी, आप हमारा अपमान कर रही हैं. आपसे बकवास करने से अच्छा है हम कहीं शिकार पर चले जाएं. महाराज, हम भी चलेंगे आपके साथ शिकार पर. गधे निकालिए.
वरना हम सिंहासन हिला देंगे। वो महाराज महारानी बड़ा शौक था ना आपको तीर चलाने का। अरे इच्छाधारी नागिन, अरे सासू माँ कैसी हैं? मैं तो बेवजह डर रहा था। क्या? तुमने मेरी माँ को नागिन कहा? क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सास को नागिन कहने की? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लगता है नागिन जी कुछ ज्यादा गुस्सा हो गई। मैं अभी आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ इधर आओ दोनों। मेरा डसा पानी भी नहीं मांगता। चलो अब मांगो जो अपने आखिरी विषय मांगो। हमारी आखिरी विषय ये है कि हमारी हुमा जी के साथ शादी करा दी जाए। बन मेरी रानी रानी, हाँ कर दे तू मैनु मैं दुनिया नु हिला दूंगा। हुमा जी को देख के लगता है कि कुदरत ने क्या सोचा है। वावा, वावा। और तुम्हें देख के लगता है कि ये कैसा पोछा है। तुझसे बड़े मजाक है। चुप। Excuse me. मैंने मेरी सांप की आंखों में तुम दोनों का चेहरा देखा। यार साफ है या सीसीटीवी? क्या तुमने मेरे सांप का मजाक उड़ाया? अब तो मैं मेरी सांप की मौत का बदला लेके रहूंगी। तो ठीक है, आज देखते हैं किसमें ज्यादा जहर है, तुम में या मेरी पत्नी में। ये बात तो फिर मैं ही जीतूंगी। म्यूजिक। विवेक सर, उमंग सर, the moral of the story is हमारी पत्नियां नागिन से कम है के? हाँ।
आपको देखकर लग रहा है कि आज नागपंचमी है। जोरदार तालियां हो जाए यार मेरे जोक पे। पंच पंच नहीं 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 लेट मी पंच यू नो 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 पंच अच्छा ठीक है। जोरदार तालियां हो जाए यार। बहुत ही फन था इस एक्ट में, इतना फन आया कि हमारी हंसी निकल गई। एंड जोया बहुत ही अच्छा किया आपने। ओके वो क्या था वो? हम सिंहासन हिला देंगे। हमारी भी सिंहासन हिल गई थी ये परफॉर्मेंस देख के। तीनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, हम बहुत हंसे भी। एंड वेलकम तमन्ना टू आवर शो। आप विवेक सर की फेवरेट हो, देख ही लिया हमने क्यों है। बहुत ही मंझे हुए कलाकार हो आप, ड्रामेबाजी भरपूर है आप में, एंड हमें यकीन है कि आप हमारी इस शो की TRP आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही जहरीला एक्ट था यार ये तो, ऐसे डंक मारे सबने एक दूसरे को, बाबा रे बाबा। कुछ कुछ डायलॉग तो ऐसे दिल से निकले, जो अच्छा कॉम्पिटिशन था ना दोनों हमारी जोया और स्निग्धा के बीच में, बड़े अच्छे से निकल के आया है। सुपर्ब सुपर्ब, बहुत 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 बढ़िया एक्ट था। स्निग्धा तो बहुत अच्छी थी। और जो कॉमेडी में जो आप काट रही थी, एक एक पंच को जो काट रही थी, ओ हो, क्लासिक टाइमिंग था उसका, बहुत मजा आया एंड फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। और जोया आज स्टेज को तो हिला ही दिया आपने, क्योंकि रोया शाह से आपने हंसा हंसा के सुपर परफॉर्मेंस किया। कॉमेडी जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है उसमें भी आप आज छा गई। थैंक यू सर। एंड ऑफ कोर्स सीजन 2 की मेरी जान का टुकड़ा ये मेरी तमन्ना है, इसको जब देखता हूं मैं टीवी पे परफॉर्म करते हुए, स्टेजेस पे एंकर करते हुए, इतनी खुशी होती है। यू मेड मी सो प्राउड। Fantastic. Yellow, orange, green. बताओ. Yellow, orange, green. Yellow, orange, green. Yellow, orange, green. Yellow, orange, green. Green. लोगों को बताना चाहूंगा कि तमन्ना की दो खूबियां हैं, एक जिस मंच पे जाती है उस मंच की शान बढ़ा देती है, और दूसरी खूबी पोल खोलने में मास्टर है। बॉस मास्टर। अरे अरे अरे, पापा का तो पोल ऐसा खोला था लास्ट सीजन में, दिखाएं कुछ प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज। ओके हमारे पापा का नाम है सड़ू महाराज। सड़ू महाराज? लेकिन आप अपने डैडी को सड़ू क्यों बोलती हैं? पापा एक दिन सलाद खा के ठुस मार रहे थे। चना खा के ठुस मार रहे थे पापा। वेलकम टू द शो सड़ू महाराज एंड मुस्कुराती हुई उनकी महारानी। सब ठीक है? राजमा तो नहीं खिलाती ना अभी इनको? राजमा तो नहीं खाए, मूली खा के आई। मूली, बाप रे। तमन्ना बजाओ ढोल और शुरू करो खोल पोल। हाँ? So first of all, इनायत। इनायत की पोल? Yes sir, इनायत को ना मेकअप करने का बहुत शौक है। आहा, माय ब्यूटी क्वीन। और इसके बाद ना उसकी मम्मी उसको मेकअप करने नहीं देती, तो इनू ना चुप चुप के मेकअप करती है। और उसके पास मेकअप आता कहाँ से? वो चुपके से जाती है और मम्मा का मेकअप किट लेती है और जाती है और फिर मेकअप करती है, फिर आके पूछती है तो मना दी थी कि मैं आपका भी मेकअप कर दूं। अरे इनू मीनू मेकअप चुरा रही है हुमा? मेकअप चोर? हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है? अच्छा ओके। उसके बाद हर्ष, ये ना सर बहुत अनहाइजेनिक पर्सन है।
क्यों? बाप रे। नहाता नहीं है ये। ये? हाँ, वो नहाता नहीं है। और जब भी वॉशरूम से आता है ना हाथ नहीं धोता है। अभी नेक्स्ट पर्सन की पोल भी तो खोलने दो। अरे बाप रे। RSS पता ही था। सर वड़ा पाव खाने के बाद मेरे पापा की तरह डुस्सू। ये भी डुस्सू महाराज है। अच्छा आप भी वही हो। चांदनु क्या आप गैस कर सकते हो कि ये सच है या झूठ? मैं बिल्कुल गैस कर सकता हूँ कि ये सच है। नहीं 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 अगर ज्यादा खा लिया तो हो जाता है। प्यार से हो जाता है थोड़ा थोड़ा। मैम और एक इंसान की पोल तो मैं खोलना भूल ही गई थी। किसकी? किसकी पोल? गर्वित। गर्वित। अरे बाप रे। गर्वित ना मोबाइल में बहुत सारे गेम्स खेलता है, बहुत ज्यादा गेम्स खेलता है। तो वो ना भगवान से प्रे करता है काश मेरी मम्मी मुझे ना बुलाए ना बुलाए ना बुलाए। कभी कभी इसकी मम्मी बोलती है गर्वित बेटा इधर आओ, और वो तब तक मम्मा के पास नहीं जाता जब तक वो गेम में जीतता नहीं है। है? मैं ज्यादा गेम का नहीं करता हूँ तमन्ना। जब मैं फ्री बैठा रहता हूँ तब मैं अपना आराम से पापा के साथ लूडो खेलता हूँ। अच्छा एक मिनट बाकी सब बच्चों से पूछते हैं कौन झूठ बोल रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे संभाल डसलेगी। ओए ओए ओए। नहीं 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 गर्वित। मुझे पता है तमन्ना क्या कंप्लेन। तमन्ना क्या करती है बताओ? क्या करती है? खाना जब खाती है ना तब खुद ना कटोरी लेती है, मम्मा लाती है उसकी खाना। हैं? अच्छा खुद से नहीं खाती है खाना। हाँ? जब मैं दूध पीता हूँ ना है ना दूध इतना फटफट पीता हूँ एकदम एक ग्लास या पूरा ऐसे करके पी लिया। क्या बात है यार। सर मैं तो 1 सेकंड में पी जाती हूँ। है 1 सेकंड में दूध पी जाती हूँ? मैं 1 सेकंड नहीं 0 सेकंड में पी लेता हूँ। गर्वित 0 सेकंड होता कितना है? 0 सेकंड मतलब बिना सेकंड वेकंड के 1 मिनट में। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। आज छोटी सी बम आई है हमारे शो पे। हाँ। और इतने सब बच्चों की पोल खोली है, जिस जिसकी पोल खोली है ग्रुप हग हो जाए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। इसी हग के साथ चलते रहिए और बैठिए। इससे पहले कि हम शो को आगे बढ़ाएं, मैं हुमा आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप मतलब जच रही हैं आज, जो आपने 150 किलो का लहंगा पहना है और जो प्यारी सी 2 घंटियां है बाली, पूरी एकदम ज्वेलरी की दुकान लग रहे हो आप। अब आपको घुटन नहीं होती है ऐसे कपड़ों में पहन के कि मतलब आपने किसी एक्स्ट्रा आदमी को रखा है सांस लेने के लिए? शांतनु तू पिटेगा अब। इंश्योरेंस करा ले अपना। शो को आगे बढ़ाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ड्रामेबाज को बुलाते हैं। कागा शनि देव का वाहन है ये हम सब मानते हैं, लेकिन वो उनका वाहन कैसे बना क्या ये हम सब जानते हैं। हमारे देश की रिच माइथोलॉजी की यही कहानी दिखाने आ रहे हैं हमारी क्यूट सी जासूस इनायत वर्मा, खाने के दीवाने ड्रामेबाज श्रीशा और इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज सीजन 2 के मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर जिन्हें पूरा देश शनि देव के नाम से जानता है, कार्तिकेय मालवीया। जोरदार तालियां। इतनी रात्रि में और इस सूर्यवन में तो मुझे कोई शक्ति का स्रोत नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ होगा शक्ति का स्रोत? कहाँ
अब इस काग को खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। कहाँ जा रहा है? रुक जा! मैं उठ के निकल रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपना स्वादिष्ट आहार बनाऊंगा। मेरी रक्षा करो, कोई मेरे प्राणों की रक्षा करो, कोई मेरे हाथों से तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। कायरों की भांति अपनी शक्ति का उपयोग इस दुर्बल प्राणी पर मत करो। जाने दो इसे। मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन इसे खाने के बाद। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ दम्भनाथ, तुम्हें अपनी भूख ही शांत करनी है ना? मैं तुम्हारे आहार का प्रबंध करता हूँ, किंतु तुम इस काकुल को जाने दो। मूर्ख, तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं वही आहार करता हूँ जो मुझे प्रिय है, और मुझे किसी प्राणी का ताजा रक्तपान करने में अति आनंद आता है। दम्भनाथ! ऐसे छोटे मोटे प्रहार दम्भनाथ का कुछ नहीं कर सकते। प्रहार तो इसे कहते हैं। करेगा तुम्हारी रक्षा इस दम्भनाथ से? दम्भनाथ! तो तुम अभी जीवित हो? पहले इसका वध करता हूँ, फिर तुम्हारा आहार करता हूँ। Ah!
कैसे हो काकुल? मैं ठीक हूँ मित्र। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की क्या बात है काकुल? किसी को उसके कर्मों का फल देना है मेरा परम कर्तव्य है। इस दुष्ट को भी मैंने इसकी कर्मों की सजा दी है। अब तुम सुरक्षित हो, अपने घर जाओ। परंतु मेरा कोई घर नहीं है मित्र। जहाँ जाता हूँ लोग अछूत मानते हैं, मुझे बुराई और संकट का प्रतीक समझते हैं। कहते हैं मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ संकट आ जाता है। तुम चिंता ना करो, आज से तुम मेरे साथ मेरे वाहन बनकर रहोगे, क्योंकि तुमने मुझे मेरा मित्र कहकर पुकारा है। इसलिए आज से तुम्हारा सारा उत्तरदायित्व मेरा रहा। आओ अपने वाहन पर सवार हो जाओ। बात है यार कार्तिक, क्या बात है। आज मैं कार्तिकेय को यहां देखकर सबसे ज्यादा सोनाली को मिस कर रहा हूं। कि हम हमेशा बात किया करते थे कि ये बच्चा बहुत आगे निकल के जाएगा, तो आई एम श्योर आज सोनाली भी वहाँ यूएस में बैठी हुई बहुत प्राउड फील कर रही होगी जिस तरह से कार्तिकेय ने आज इस मंच पे परफॉर्म किया। इसके परफॉर्मेंस में एक पल के लिए भी आंख इसके इमोशन से हटी नहीं, इतनी जबरदस्त फीलिंग आई, इतना मजा आया मुझे इसका परफॉर्मेंस देखकर। इतना रियल परफॉर्म किया इस बच्चे ने, मतलब सीना फूल गया गर्व से यार। थैंक यू सर। क्या बात है, अनबिलीवेबल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू सर। कार्तिकेय, आपको आज देख के लगता है कि जो हमारे इस सीजन के बच्चे हैं वो आगे जाके आपके फुटस्टेप्स पे चले, आपके जैसे बने, आपके जैसे एक्ट कर पाए इतने कॉन्फिडेंस से, मतलब अच्छे अच्छे एक्टर्स की आपने आज छुट्टी कर दी, रियली। और जब इनू सच में रो रही थी कि मुझे बचा लो, मेरे प्राण बचा लो, मुझे लगा है ये क्या हो रहा है, ऐसे दिल पे ऐसे लग रहा था, मतलब बहुत परफेक्ट कास्टिंग थी। बोथ ऑफ यू वेरी गुड, ग्रेट एक्ट, लव्ड इट। थैंक यू मैम। ओवरऑल बहुत ही यू नो दमदार परफॉर्मेंस था
एंड फाइट्स के स्टंट्स बहुत अच्छे किए थे. यू नो हार्नेस पर करना बहुत डिफिकल्ट होता है. एंड कार्तिक आप तो यू नो जैसे कि माहिर हो. वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. एंड जिस तरह के आप उनको गाइड कर रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. एंड ये आपका फ्यूचर है तो सीखे इनसे. मेरे लिए ये क्या है? ये ड्रामा नहीं था, ये सुपर डुपर हिट. की वजह से मिल गया आपको सुपर डुपर हिट यार. कार्तिक मुझे आपसे पूछना है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मैम यहाँ पे आके तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि मैं यहीं से जन्मा हूँ और इससे पहले बहुत सारे माइथो एक्ट्स किए थे मैंने सीजन टू में. और मुझे माइथो किंग के नाम से जाना जाता था, मुझे खिताब मिला था. तो IBD ख़त्म होने के 2 दिन बाद ही मुझे शनि के लिए एज अ लीड कैरेक्टर ले लिया गया. उन्होंने मुझे बताया कि 3,000 बच्चों के ऑडिशन हुए थे, उसके बाद मुझे लिया गया. और मैंने शनि का आज परफॉर्म किया तो सोने पे सुहागा हो गया, बिकॉज इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सर. शांतनु, हाँ, जब एक्ट चल रहा था मैं दादी को देख रहा था. दादी आप पूरी लीन हो गई थी एक्ट में, मतलब हाथ जोड़ के ऐसे एक जोन में चले गई, तो चक्कर क्या है? बच्चे तो सारे ईश्वर के रूप में ही होते लेकिन मैं शनि को बहुत मानती हूँ. हाँ. अच्छा. हाँ. तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने साक्षात शनिदेव खड़े. अरे वाह. तो मेरा मन कर रहा है आज उनकी आरती को. अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ कर दो दादी, क्या बात है. आई 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 जय जय है शनि राज देव तेरी जय जयकार. तू ही मेरी सुख शांति है, तू ही मेरा आधार. तो आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हुमा से एक क्वेश्चन पूछ ही लूं कि हुमा जी, आप एक लड़के में क्या देखते हो? मतलब आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? मतलब मुझे हंसाए, थोड़ा हाइट में ठीक हो, और TV शो का एंकर तो बिल्कुल भी ना हो. ओके. पर वैसे मैं बता दूं कि मैं ना बहुत चूजी हूँ. चूजी मतलब एक लड़के को क्या चाहिए? कि लड़की जो है वो उसे प्यार करे, उसकी उसके लिए खाना बनाए, उसकी खिदमत करे. बट आई एम श्योर आप में वो तीनों भी क्वालिटीज नहीं है. बट इट्स ओके, आई एम रेडी टू एडजस्ट. यू सी शांतनु. हाँ जी. आपको मेरे सैंडल का साइज पता है? वेल तो आगे बढ़ते हैं कि इससे पहले कि हुमा अपने सैंडल का साइज मुझे बताए. सो अब आ रहे हैं हमारे इंदौर से ज्योत स्वरूप, उनके साथ आ रही है मैच की महाज्ञानी एंजेलिका पिपलानी और इंडियाज बेस्ट ड्राइवर सीजन 2 की क्यूटनेस का भंडार ट्विंकल शर्मा. ये कहानी है उस समय की जब फिल्मों में कहानियां होती थी, भाव सिर्फ इंसानों के बढ़े होते थे, पेट्रोल के नहीं. ये आज तक का सबसे महंगा एक्ट है क्योंकि इसमें पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ है. शहर के सारे रईस मेरे पास आते हैं तेल लेने, क्योंकि मैं हूँ पेट्रोल पंप. लेकिन ना, मुझे डर सिर्फ एक आदमी से लगता है, अनु मलिक जी. क्योंकि वो हमेशा कहते रहते हैं आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा. मेरी बेटी कहाँ रह गई? कारू, स्कूटू.
मेरे कार स्कूटर आएंगे। So cool. मैं निकला और गड्डी लेके और रास्ते पर सड़क में एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। कैसा है छोटे? मैं तो ठीक हूँ, पर आप ऐसे हेडलाइट लटका के क्यों खड़े हो? लगता है आज सुबह से किक नहीं मिली। देख लीजिए जजिस, एक तो हमें 5 हफ्तों से शेनी बना और आते ही ऊपर से मुझ पे पंच पाने लगा। हाँ थोड़ा पेट्रोल पिला दे, 3 दिन से स्टैंड पे खड़ो के गला सूख गया। मैं भी लाला से 2 बोतल पेट्रोल उधार में लेकर आती हूँ। तू किसे लाला के पास नहीं जाएगी माँ, नहीं जाएगी माँ। मुझे सब पता है, 2 बोतल पेट्रोल के बदले वो लाला तुझसे उलाला उलाला करवाता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू कुछ बोलती क्यों नहीं भाई को? अभी बोलती हूँ बेटा। बेटा जरा बाजार से धनिया ले आ। मैं इंसान क्यों या स्कूटर की? उसकी नजरों में बेटे इस दुनिया में सिर्फ धनिया लेने आए। और आपकी जरूरत ही क्या है इस घर में? शायद तुझे पता नहीं कि इस शो के जज उमंग सर मुझ पर बैठ जाते हैं। आप भी सुन लीजिए, मुझ पे भी विवेक सर बैठ के आते हैं। क्या? ये दोनों मेरे बच्चों पर बैठ के आते हैं? चलो किराया निकालो। पीप पीप हाँ, पीप पीप हाँ, पीप पीप बस हाँ। बंद कर अपना ये हॉर्न। अरे बच्चों, तुम दोनों तो हमेशा लड़ते रहते हो। रुको मैं तुम दोनों के लिए पेट्रोल लेकर आती हूँ। तू बाजू हट स्कूटर, माँ तू पेट्रोल डाल। स्लो मोशन। इतना सारा पेट्रोल बर्बाद कर दिया। नलायको पूछो उन गाड़ियों से जिनके पास आज 2 वक्त का पेट्रोल नहीं है, धक्के से चल रही हैं, किसी को पेट्रोल नहीं देती। हाँ जिस मार पेट्रोल की कीमत तुम्हें समझ नहीं आ रही ना, लेकिन देखना एक दिन आएगा जब गाड़ियों की लाइन लगी होगी मेरे सामने और मेरे भाव आसमान छुएंगे। उस दिन तुम्हें पेट्रोल की कीमत समझ में आएगी। थैंक यू। ट्विंकल, आप जब स्टेज पे आते हो तो आप इतनी क्यूटनेस फैला देते हो एंड इतने कॉन्फिडेंस से हर चीज करते हो। यू आर सो गुड टुडे। थैंक यू मैम। ज्योत, आप क्या बने हो आज? स्कूटर। स्कूटर? मगर मैंने आपको स्कूटर बनाया, शेर नहीं बनाया। अगर आपको जाना है ज्योत शेर कब बनेगा तो देखते रहिए इंडिया बेस्ट ड्रामे पास हर शनिवार रविवार रात 9 बजे। अच्छा। ज्योत वेरी क्यूट, आपकी एंट्री धमाकेदार थी। यू आर वेरी वेरी गुड एंड दिस एक्ट वॉज वेरी वेरी क्यूट। आई रियली एंजॉयड दिस एक्ट। थैंक यू। मजेदार एक्ट था, बहुत इंटरेस्टिंग। और एंजेलिका, आप हमेशा अच्छा परफॉर्म करती हैं, कॉमेडी में भी अच्छी हैं और सीरियसनेस में भी अच्छी हैं। जो अंत में चेंज ओवर किया तो ऑलमोस्ट वैसे लग रहा था एक पूरे आवाम को आप एक मैसेज दे रही हैं कि भैया देखो पेट्रोल संभाल के इस्तेमाल करना वरना ये मकाम आने वाला है। तो वेरी वेल डन। थैंक यू सर। एक्ट बहुत अच्छा था, मेरे हिसाब से स्कोर है सुपर हिट। मेरे हिसाब से स्कोर है सुपर डुपर हिट। मेरे लिए भी है सुपर डुपर हिट। ओके थैंक यू, वेरी नाइस। उमा,
मेरा किसी एक्ट में ना मन ही नहीं लग रहा है, ध्यान ही नहीं है क्या हो रहा है, बिकॉज आप इतने खूबसूरत लग रहे हो। मैं आपका सच में बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब आपकी वो मूवी थी ना एक थी डायन, मैंने 50 बार देखी है, and I'm really like yeah, fan of your... guys, please, it's not funny. I'm tired also. अभी खत्म करो, लेट हो गया है। मैं आपकी एक्टिंग की तारीफ कर रहा हूँ, आप सच में बहुत, आपने बहुत नेचुरल एक्टिंग की है उसमें, मतलब ऐसे मुझे लगा कि आपने दिल से किया है, आप लग रहे थे डायन। एंड जब मैं आपको देख रहा हूँ अभी सामने, ऐसे पूरा एकदम विजुलाइज हो रहा है मुझे, हो आप डायन। हो गया। I've told you, let's just get on with the show, yeah. Why are you dragging something, yeah? Shantanu, अभी हो गया ना यार। नहीं, but मुझे लगा। नहीं मतलब, I'm telling you, Namesh, you keep saying this in the in ear. I'm like tired. मतलब कितना लग करोगे? I'm not. I'm just. Wait. अरे बट ये मैं से मजाक कर रहा था। ओए। उमा। उमा मैं से मजाक कर रहा था। अरे बट सर मैं तो सिर्फ मजाक। स्टॉप ना वे यू कैन स्टॉप ना। अरे चिड़चिड़ी है उसके बाद। मुझे नहीं लगा कि वो चली जाएगी। चली गई, क्या करेंगे? गाड़ी निकालो। ऊपर रहे। नहीं, I'm going home यार।